हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एनटीए जेएनयू के रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट आपके कब तक आने की उम्मीद है, तो वो मैं आपको थोड़ा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। और मैंने जो एनटीए में कॉल किया था तो उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉर्डिंग है वो आपको सुना लेता हूँ। कल मैंने किया था कॉल किया था मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास, तो एक बार सुनना आप। जेएनयू। हेलो, यस सर। हेलो सर, एनटीए जेएनयू का रिजल्ट कब तक आएगा? जेएनयू सर, जेएनयू हाँ, जेएनयू का आज रिक्रूटमेंट, सॉरी जेएनयू रिक्रूटमेंट है ना, उसका रिजल्ट कब तक आएगा? हाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ना सर। सर। सर देखिए, उस रिगार्डिंग अभी क्या है ना, कोई भी अपडेट ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो आपको वेट करना होगा। अभी आंसर की चैलेंज आया है सर उसका, तो अभी रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। जो भी होगा वो वेबसाइट पे आएगा सर। ठीक है सर, तो तो कब आप तक आ सकते वेबसाइट हैं? पे विजिट सर। इस रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है सर। जी और इग्नू की एग्जाम डेट, इग्नू रिक्रूटमेंट की एग्जाम डेट? सर, देखिए जो भी होता है वो वेबसाइट पे ही आता है सर, हम ऐसे नहीं बता सकते कब होगा कब नहीं होगा सर। सॉरी सर। चलो ठीक है, कोई नहीं सर। अब किसी को लग रहा होगा कि आपने किसी अपने फ्रेंड को बोल के आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग की है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये वही नंबर है। एक मिनट, हाँ मैंने पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, तो आपको शायद दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं, नंबर आपको दिख रहे होंगे जो आपके एनटीए के हैं, लास्ट में आपको 700 नंबर है, ये वही नंबर है। यानी कि मैंने कॉल आपको किया था, उन्होंने कोई ऐसा कोई अपन को ज़्यादा कोई इतना खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, और इग्नू रिक्रूटमेंट के एग्जाम को डेट का भी डेट भी लेकर उन्होंने कोई अपना इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो रिजल्ट को लेकर तो मैं आपको थोड़ा अपडेट दे दूँ, तो रिजल्ट तो आपके लगभग इसी महीने आने के चांस तो है। लगभग 90% चांस है कि आपके इसी महीने के एंड तक आने के पूरे चांस है। हो सकता है अगर थोड़ा अगर डिले होगा तो आपके अगस्त के फर्स्ट वीक तक भी आपके जा सकता है। और इग्नू रिक्रूटमेंट का तो अभी देखो, अभी तो फिलहाल अभी नोटिस आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आपके ईपीएफओ का आपके एग्जाम की डेट जारी हो चुकी है। तो ईपीएफओ की आपके एग्जाम डेट 1 अगस्त को भी आपके स्टर्न होगी, और बाकी आपके जो 18 से या फिर ऐसी कुछ 18 या 20 के आसपास एसएससी की, तो अभी इसके बीच में तो लगभग मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है इसके बीच में कराने की भी कोशिश वो करेंगे, पर थोड़ा पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पर उसके बाद ही आपके होने के चांस बन सकते हैं। अगर होंगे तो लगभग लास्ट में आपके यहाँ पे अगस्त के लास्ट तक होने के चांस बन सकते हैं। तो आपको अभी से अपनी तैयारी करते हुए चलना है जिससे आपको आगे कोई भी परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।